गड्ढा नहीं है वहाँ पे। कितना गर्म होगा ये? 500 फैन ना। अच्छा तुम जल्दी उठ निकलो वहाँ से। फ्लाइंग आ रहा है 15, तभी से बोल रहे हैं भाई वाह चैनल का नंबर बता। बोर्ड हमारे सामने दिखने लग रही है जिसके बारे में जो भी चीज़ें लिखी। काफ़ी यहाँ से धुएं निकल रहे हैं, एक्चुअली में ये धुआं नहीं है, ये भाप है। और हे जोहार गाइस और गुड मॉर्निंग आप सबको। कल ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे और उसके पहले हम आपको ये बता देंगे कि ये जो गाड़ियों की शोर आप सुन रहे हैं वो है जीटी रोड में चलने वाले वाहन है जी। बिल्कुल, मैं इस वक्त ग्रांड ट्रैक रोड में हूँ जो कि हमारे झारखंड के गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग को टच करते हुए निकलती है। आगे पीछे एक दो डिस्ट्रिक्ट और हो सकती हैं, पर इस वक्त मैं हूँ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की लगभग छोर पे और ये सड़क मुझे थोड़ी दूर आगे बगोदर की ओर लेकर के जाएगी। आज की ब्लॉग मैं लगभग बगोदर पे जाकर के एंड करने वाला हूँ। मैं इस वक्त बता दूँ कि सूरज कुंड की ओर जाने लग रहा हूँ। सूर्य कुंड, ये वो सूर्य कुंड जो पूरे झारखंड में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा गर्म सूर्य कुंड है। इसके साथ साथ के साथ अगर मैं बोलूँ कि भारतवर्ष में इससे गर्म सूर्य कुंड नहीं है तो ये भी बात गलत नहीं होगी। हजारीबाग में बहुत सारे ऐसे सूर्य कुंड है, बट इस वक्त मैं बरकट्टा प्रखंड की ओर जो सूर्य कुंड स्थित है वहाँ पे जाने लग रहा हूँ। वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स में जाके नहाऊंगा, बगल में जाके कहीं थोड़ी दूर में नदी जो है वहाँ कपड़े वगैरह धोऊंगा और उसके बाद यहाँ से निकलूंगा। सूर्य कुंड के सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। आगे जा करके हम मिल रहे हैं आपको। कुछ कल की चीज़ों के बारे में बस इतना बता दूँ कि कल इचाक के बहुत सारे मंदिरों के जगहों से जब निकला, मतलब टाउन ऑफ टेम्पल जो कहा जाने वाला इचाक है, वहाँ से जब मैं निकला तो वहाँ से एक बहुत खूबसूरत मंदिर के पास में गया और उसके बाद वहाँ से होते हुए मैं टाटीझरिया आया। टाटीझरिया से बीच जंगलों की ओर से होते हुए मुझे निकलना था बरकट्टा, मतलब इस जगह पे, बट काफ़ी सुनसान और डरावने इलाके थे और रात हो जाती, इस वजह से मैं टाटीझरिया की ओर से होते हुए बगोदर की ओर से होते हुए ग्रांड ट्रैक की रोड को पकड़ करके रात भर में यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे रेस्ट करा और अभी मैं वहाँ जाने वाला हूँ। वैसे कल की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं कि एडवेंचरियस ब्लॉग रही थी वो भी। तो चलिए अब हम आगे चले। लाइन के इस डिवाइडर में आपको बोर्ड मिल जाती है जहाँ लिखा है बरकट्टा हजारीबाग के पर्यटक स्थल में स्वागत है आप सबों का। तो इसी डिवाइडर में आपको एक बोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आपको सूरज कुंड में होने का प्रमाण दिखाया जाता है कि इस ओर आप सूरज कुंड में हैं और सूरज कुंड के इस धरती में आप सबों का स्वागत है। एक और बोर्ड हमारे सामने दिखने लग रही है जिसके बारे में जो भी चीज़ें लिखी हुई है सूरज कुंड के बारे में वो आप पॉज करके पढ़ लें। तो सूर्य कुंड यहाँ से 350 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये आगे बोर्ड झारखंड सरकार के पीछे बोर्ड मुझे दिखने लग रही है जो एक्चुअली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ें खड़े की गई है। ये देखो नदी, और मैं आपको बताऊं कि गांव में प्रायः कुछ संस्कृति जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, कलाएं देखने के लिए मिल जाती है जहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी जो है मत्स्य पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं और उनके तरीके तौर तरीके मछली पकड़ने के काफ़ी अद्भुत लगते हैं। मैं कभी मार नहीं पाया मछली इस प्रकार से, बट संभवतः यह है। तो एक भाई आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी ये जाल ऐसा करके फेंकेंगे और दो तीन महिलाएं भी वहाँ पे दिखने लग रही कुछ छोटी। ये एक मुख्य गेट और वहाँ से सामने छत दिखने लग रही है सूर्यकुंड की। तो देवियों और सज्जनों आप सबों का स्वागत झारखंड के सबसे बड़े सूर्यकुंड पे, गर्म कुंड, गर्म जल कुंड पे। ये देखिए लोगों की भीड़ बड़ी पड़ी है यहाँ नहाने के लिए और कुछ गेस्ट हाउस यहाँ दिखने लग रही है मुझे। संभवतः बंद है वरना मैं कल रात को यहाँ पे भी रुक सकता था, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूँ। और जो जलकुंड है, गर्म जलकुंड, जो क्लेम की जाती है कि एशिया में सबसे हॉटेस्ट स्प्रिंग वाटर जो है यहीं पर है, मतलब सबसे गर्म जलकुंड जो है यहीं पर है। मैं बिल्कुल इस वक्त इंटर करने लग रहा हूँ उन पांचों जलकुंड में। जी बिल्कुल, यहाँ पे पांच जलकुंड है और पांच जलकुंड में से एक ठंडा है, और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बोलेंगे, मतलब इन पांचों जलकुंडों में से एक ठंडा है और बाकी जो है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। जी यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, यह है लक्ष्मण जलकुंड। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस सूर्यकुंड जो कि वहाँ पर है उससे पूर्व इस गर्म जलकुंड में से एक लक्ष्मण जलकुंड है जिसकी
यहाँ की डिग्री सेल्सियस जो है ना 45 डिग्री सेल्सियस बनती है ऊपरी सतह की। इस जगह पे माता सीता का जलकुंड है जो कि तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस बताई जाती है। वहाँ की जो भी चीज़ें वहाँ पे गिरी हुई आप हरे हरे काएँ देख सकते हैं। इस सूर्यकुंड के बारे में बाद में बताएंगे और मैं चाहता हूँ कि 45 आपने देखा, इसके बाद अब आप देखो ब्रह्मा जलकुंड जिसके बारे में कहा जाता है ये 35 डिग्री सेल्सियस है और इसके ही बगल में है 55 डिग्री सेल्सियस वाले भगवान रामचंद्र जी का जलकुंड। यहाँ से थोड़ा सा गर्म ताप मुझे महसूस होना स्टार्ट हो जा रहा है और इसके बाद मैं आपको मुख्य वाला जो सूर्यकुंड है जो क्लेम की जाती है कि एशिया का सबसे हॉटेस्ट सबसे गर्म जलकुंड जो कि ये वही है और पूरे भारत भर का भी यह सूर्यकुंड। काफ़ी यहाँ से धुएं निकल रहा है, एक्चुअली में धुआं नहीं है ये भाप है और चूंकि गर्म है तो जब हम बॉयल करते हैं पानी को और वहाँ पे साफ साक्षात रूप से आपको थोड़ा सा बॉयलिंग होते हुए नज़र आ रहा होगा तो ये यहाँ से उठने लग रही है। कहा जाता है कि सल्फर युक्त है ये पानी और नीचे की जो तापमान है जो कि जल जमीनी स्तर की इसके जो तापमान है वो तकरीबन 165 डिग्री सेल्सियस है और जो ऊपरी सतह है उस ऊपरी सतह की जो तापमान है वो 85 डिग्री सेल्सियस है। आपको इसके साथ बता दूं कि चूँकि पानी में सल्फर युक्त ये पानी है इसके वजह से कई सारे लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि इन पानियों की वजह से जहाँ पे भी सल्फर युक्त ऐसे पानी हो या फिर हॉट स्प्रिंग हो वहाँ नहाने से क्या होता है कि चर्म रोग जो है वो ठीक होती है। इसीलिए एक पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं है ना जहाँ पे थोड़ी सी मतलब सीढ़ियों स्विमिंग पूल टाइप से देखने को मिल जाती है ये जगह वहाँ पे थोड़ा सा जो सूर्यकुंड का पानी है उसको बाई प्लेस किसी तरीके से इस स्विमिंग पूल की तरह दिखने वाली टब के पास सुझाई जाती है ताकि क्या है ना कि यहाँ के पानियों में लोग नहा सकें। और सुबह जब मैं इस जगह पे एंटर करा था जी मैं सुबह जब यहाँ पे आया था उस वक्त मैंने कई सारे लोगों को यहाँ पे नहाते हुए देखा। इन जगहों पे जब आप नहाते हैं तो यहाँ पे साबुन यूज़ करना सख्त मना है जिसके दिशा निर्देश फलस्वरूप यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाई गई है। इस जगह पे मैंने नहाया नहीं क्योंकि पानी गर्म है और मेरा जिस टाइप से बॉडी है उस अनुसार से गर्म पानी से नहाना मेरे लिए ठीक नहीं है खास करके मेरे हेड के लिए मेरे हेयर के लिए। तो मैं वहाँ पीछे नदी है उस नदी में मैं नहाने के लिए चला गया। बड़ा अद्भुत लगता है इस जगह के बारे में कि पीछे ही एक नदी है जहाँ पे ठंडी पानी है और इस जगह से 5 जलकुंडों में से एक ही कुंड ऐसा है जहाँ पे सूर्य कुंड जिसको बोला जाता है वहाँ पे 85 डिग्री सेल्सियस का जमीनी स्तर का पानी है बाकी नीचे जो है 165 डिग्री सेल्सियस होती है। कई सारे लोग सुबह आते हैं नहाने के लिए ठंड के दिनों में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ठंड के टाइम में ही बसंत के ऋतु के आसपास इस जगह पे एक मेला का भी आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति मुख्य रूप से है। दो जगहों को बेसिकली इस जगह पे नहाने के लिए बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ अच्छी चीज़ है। अभी भी ये चूँकि दोपहर का टाइम है मैं चला गया था पीछे नदी की ओर नहाने के लिए बट कुछ बच्चे यहाँ पे नहाने लग रहे हैं मैं उनसे आपको उनके एक्सपीरियंस जो है वो बताता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि गर्मी के दिनों में नदियों में बच्चों को नहाते हुए देखा तालाबों में देखा ये इस हॉट स्विमिंग पूल में भी तैरने लग रहे हैं और नहाने लग रहे हैं। और इधर आ जाओ तुम लोग गड्ढा नहीं है वहाँ पे वास्तव गड्ढा नहीं कितना गड्ढा है बस उतना ही गड्ढा। अच्छा इधर आ जाओ ये बताओ मुझे तुम लोग कहाँ से हो कहाँ से हो बनवारी कितना दूर है यहाँ से कितना दूर है कितना गर्म होगा ये अभी बहुत ठंडा है सुबह गर्म रहता है वो बगल वाला गर्म है। अच्छा इसीलिए तुम लोग नहा रहे हो गर्म वाला नहीं नहाते गर्म वाला यहाँ से साबुन लगा के वहाँ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे साबुन लगा सकते हो पर ना मतलब साबुन वहाँ पे नहीं लगा सकते 500 फैन ना। अच्छा जल्दी निकलो वहाँ से फ्लाइंग आ रहा है 15 तभी से बोल रहे हैं भाई वाह चैनल का नंबर बता। कुछ नियर बाय प्लेस में धर्मशाला वगैरह बना हुआ है और इसी के जगह पे कुछ मंदिरें हैं जो हैं वो बन गए हैं सूर्य मंदिर और आदि कुछ मंदिरें हैं यहाँ। चलिए अब हमें यहाँ से इस जगह से निकले गमन करें और चूंकि मैं भी वहाँ पे नमनमस्तक हो चुका क्योंकि हम प्रकृति को बहुत पूजन करते हैं झारखंडवासी जो भी है और प्रकृति को ही सबसे पहले जो है भगवान मानते हैं खास करके सूर्य नारायण को। अब जब ऐसा सूर्यकुंड कुछ हो तो हमारे लिए वो दुर्लभ ही है। तो ये है
गर्म जलकुंड परिसर और यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ चीजें जो बनाई गई है। तो चलिए मैं यहाँ से निकलने लग रहा हूँ। और अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं, रांची से तकरीबन 160 किलोमीटर दूरी पे स्थित है ये, और जीटी रोड में आपको ये मिल जाती है। अगर आप बिहार गया वगैरह से धनबाद की ओर जा रहे हो तो बीच रास्ते में बरही के बाद आपको इसी जीटी रोड में बगोदर के पहले देखने को मिल जाती है। और अगर हजारीबाग से आना चाहते हैं तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये जगह। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है, जहाँ से होते हुए सरिया और बगोदर होते हुए आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम आज बगोदर तक की यात्रा होगी। अब देखते हैं बीच रास्ते में क्या कुछ घटित होता है, इस वीडियो में कवर करूँगा जरूर, बने रहें। यह है अटका, दिल्ली कोलकाता रूट है ये, जीटी रोड जैसे कि मैंने आपको बताया। इवनिंग का टाइम, काफ़ी गुलजार मार्केट, थोड़ी दूर में बगोदर है मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर के दरमियान। पर इस रास्ते में चलते चलते कई सारे खूबसूरत नज़ारे भी देखने के लिए मिले हैं, कुछ इस प्रकार जी। तो ये मैं पुराने वाले रोड पहुँच गया हूँ बगोदर का, और बगोदर से इस रोड से होते हुए चले जाते हैं चरिया, उधर से भी आप ग्रेडी निकल सकते हो और ये वाली रूट चले जाइए हजारीबाग, और मैं जहाँ जाने लग रहा हूँ हरियाधाम की ओर। तो हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ता है इस वक्त बगोदर में। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये वाला पहले जाता था जीटी रोड निकल करके कोलकाता की ओर। चलो काफ़ी अंधेरा हो गया, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सूरज कुंड, गर्म जल कुंड ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आप वीडियोस को शेयर। तो देवी और सजनों, ये हजारीबाग का ब्लॉग आपने देखा मेरी। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने ब्लॉग थोड़े लेट से डालता हूं, क्योंकि मेरे कोई टीम नहीं है, मैं तुरंत डाल नहीं पाता हूं, और ये थोड़ी लेट वाली ब्लॉग आप देख रहे थे। इसके बाद आप मेरे ग्रेडी के ब्लॉग देखोगे, बट उसके पूर्व देखोगे मेरी झारखंड पैदल यात्रा के जो बचे हुए लास्ट दिन है। मैं बता दूं आपको कि 2400 जिला की पैदल यात्रा करते हुए मैं अपने आखिरी जिले मतलब कि धनबाद में हूं, और यहां से मैं घर की ओर जाऊंगा। यहां से कुछ 15 मार्च तक मैं अपने घर पहुंचूंगा, और ये वीडियो जो है रिलीज हुई है 1 या 2 मार्च के आसपास। तो मेरी उस बची हुई जर्नी को देखिएगा जरूर, कि कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स मिले, क्या कुछ मेरे स्वागत में हुआ, कितने लोग जो धनबाद जिला है मेरा उसमें से लोगों के बिहेवियर क्या हुए, और क्या कुछ होता है, सभी चीज़ें जो मेरे लिए भी एकदम नया है, क्योंकि मैं झारखंड का पहला लड़का हूँ जो पूरे झारखंड को 2400 जिलाओं पैदल चल रहा हूँ। तो उन वीडियोज़ को छोड़ना मत, आप देखना। और उसके बाद पुनः 17 मार्च से आपको मेरे गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, और जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने किया धनबाद में कौन सी विशेष जानकारियाँ जो है उसको आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप जो है इसके बाद इंस्टेंट ब्लॉग देखेंगे कुछ 15 से 16 दिन तक जो है।